एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करवा चौथ स्पेशल व्रत थाली रेसिपी। इस थाली में हम बनाने वाले हैं पनीर की बिना प्याज और लहसुन वाली सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ ही बनाएंगे चावल की खीर। अगर आप सेवई पसंद करते हैं तो आप सेवई भी बनाएं। अगर आप खीर नहीं बनाते हैं तो इसकी जगह पर आप सेवई बना सकते हैं। और ये रही हमारी कद्दू की सिंपल सी सब्जी, और साथ ही ऐड करते हैं ये गरम गरम पूरियां। साथ ही मैंने बनाया है मालपुआ, तो इस सिंपल सी थाली को चलिए बनाते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने एक मुट्ठी चावल लिया, इसे अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है गैस पर, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। दूध में एक उबाल आ गया है, अब इसमें जो सोख करके चावल रखा था उसे हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने पे ये टूट जाएगा और इसे इसमें डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। खीर को हम लो फ्लेम पे एक साइड रख देंगे ताकि धीरे धीरे ये पकता रहेगा। खीर को बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तले में ना लगे। खीर बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें, इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ खीर बनाने के लिए, जिसमें मैंने 1 मुट्ठी चावल ऐड किया है। अगर आप 1 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1.5 से 2 मुट्ठी चावल ऐड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि चावल जो हो छोटे दाने वाला हो, मतलब छोटा छोटा हो, उससे वो खीर बहुत ही अच्छा बनता है। खीर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और एक बार चावल चेक करते हैं। इस तरह से चावल भी काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। मैं इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड करें। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। खीर हमारी लगभग तैयार हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैं काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। खीर हमारा तैयार है, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ढक देते हैं। अब हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। इसके लिए कढ़ाई गर्म करके इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, लगभग 1 टीस्पून जितना, और इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही ऐड करेंगे ये कद्दू जो मैंने बारीक कट किया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कवर करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कवर करेंगे और 1 मिनट के बाद हम चेक करते हैं हमारी कद्दू की सब्जी तैयार है। इस तरह से कट करके देखिए काफी अच्छे से पकते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और तेल गर्म होने पे इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं सब्जी में। और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पनीर को भी मैंने हल्का सा सौते कर दिया क्योंकि गोल्डन स्पॉट आना था इस तरह से। अभी कढ़ाई गर्म करके इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे रफली चॉप किया है, और 3 हरी मिर्च इसे भी मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें काजू ऐड करेंगे और छोटा टुकड़ा अदरक का, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे हम कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं, टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फ्लेम ऑफ करते हैं और इस मिक्सी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तेल गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा के साथ मैंने ऐड किया था 2 छोटी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता, और ये जो मसालों का पेस्ट बना के तैयार किया था उसे ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम पनीर की सब्जी को भी बिना लहसुन और प्याज के अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनती है ये सब्जी। आप काजू की जगह पर पीनट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास काजू नहीं है तो। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, साथ ही ऐड करते हैं सेंधा नमक यानी पिंक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर,
और हाफ टी स्पून लाल मिर्च। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तेल हमारा अभी से सेपरेट होने लगा है, लेकिन हमें इसे थोड़ी देर और भूनना होगा। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं मिक्सी में जो मसाला बचा था उसी का पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। मैं इसमें 1 ग्लास के लगभग पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने देते हैं। सब्जी में 1 उबाल आ गया है, अब इसमें पनीर ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी ठीक हो जाए। एक बार इसे चेक करते हैं और सब्जी हमारी तैयार है, ग्रेवी भी ठीक हो गई है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, अगर आपको थोड़ी कम ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी देर के लिए इसे और पका लें। और इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें क्रीम या मलाई ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये सब्जी बताई है, बिना लहसुन और प्याज के। आप इसे व्रत में ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्जी हमारी तैयार है, फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम हलवा बिल्कुल तैयार करेंगे, इसके लिए मैं सूजी यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सूजी को सोक करने के लिए। मैं यहाँ पर बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे थोड़ा सा मिक्सी में चॉइन कर लीजिए। हम इसे सोक करने के लिए 20 मिनट तक छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे सूजी काफी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे इलायची पाउडर। और इसमें मैं ऐड करेंगे थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा काजू। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको घोल थोड़ा सा पतला लग रहा है तो थोड़ा मैदा और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग और मैदा ऐड करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा पतला लग रहा है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मालपुए का मिक्सचर तैयार है। अब हम मालपुआ तैयार कर लेते हैं। एक बार में थोड़ा सा घोल डालें आप इसमें और इसके ऊपर इस तरह से तेल को करते रहें। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो रखा है और अब इसे पलट देते हैं। इसे एक साइड करके दूसरा मालपुआ भी इसमें डाल देते हैं। और सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। मालपुआ को डालते हुए फ्लेम को लो रखें, उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके इसे फ्राई कर लेंगे। इसे इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं ताकि मालपुआ अच्छे से अंदर से पक जाए। इसे पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे प्रेस कर दें। मैंने इस वीडियो में व्रत की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपसे शेयर की है, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। ये थाली आप सिर्फ 40 मिनट में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को तैयार करिए और फटाफट से थाली बना लीजिए। कोई थकान नहीं होगी, आप व्रत को भी इंजॉय कर पाएंगे। मालपुआ काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे पूरी। इसके लिए चकले और बेलन को हल्का सा ग्रीस कर लें। और आटे की छोटी छोटी लोई बना लें। आपको जितनी बड़ी पूरी चाहिए उस हिसाब से इसमें लोई तैयार करें। मैंने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन डाल के देखते हैं तेल हमारा गर्म है या नहीं। तेल काफी अच्छे से गर्म है पूरी तलने के लिए। तो आप इस करवा चौथ की 40 मिनट की थाली को जरूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।